हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम नया लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हैं तो वह कितना स्मूथली वर्क करता है। बहुत ही जल्दी वो शटडाउन हो जाता है, बहुत ही जल्दी रीस्टार्ट हो जाता है, बहुत ही जल्दी कोई भी एप्लीकेशन को वो ओपन कर लेता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हम ओपन करना चाहें तो वो एक ही क्लिक में ओपन भी हो जाता है। लेकिन यही लैपटॉप और डेस्कटॉप कुछ समय के बाद हैंग होना शुरू हो जाता है, वर्क करना स्लो कर देता है, बैटरी बहुत ही जल्दी ज़्यादा खाने लगता है, सिस्टम ओपन होने में टाइम लेता है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लेने लगता है। तो आज इन सारी समस्याओं का कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें रन ओपन करना है। आप विंडो प्लस आर का बटन भी क्लिक साथ में प्रेस करेंगे तो ये वाला विंडो जो है ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हमें टाइप करना है परसेंटेज TEMP, फिर से परसेंटेज और फिर उसे हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये वाला विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये टेम्प्रेरी फाइल्स हैं। जो भी हम लोग वर्क करते हैं उसका एक टेम्प्रेरी फाइल्स क्रिएट होता है, तो ये उसी तरह का एक टेम्प्रेरी फाइल्स है। इसके डिलीट होने से आपका कोई डेटा लॉस नहीं होगा। तो कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट कर लें और उसके बाद शिफ्ट प्लस डेल का बटन प्रेस करेंगे तो ये सारे जो फाइल्स हैं ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। शिफ्ट के साथ डिलीट करने पर ये होता है कि ये रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता। कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट नहीं होंगे क्योंकि जो हम लोग जो वर्क कर रहे हैं तो वो आपको दिख रहा होगा नीचे, जो मैंने फाइल्स ओपन कर रखा है तो वो सारे फाइल्स के टेम्प फाइल्स क्रिएट हो रहा है, तो इसे हमें स्किप कर देना है। इसे हम स्किप करेंगे उसके बाद ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा और उसे फिर से एक बार हमें रन बटन यहाँ पर प्रेस कर देना है। यहाँ पर सर्च करेंगे रन या विंडो आर करेंगे तो फिर से ये विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस बार हमें टाइप करना है TEMP विदाउट परसेंटेज। पिछली बार हमने परसेंटेज के साथ किया था, इस बार विदाउट परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको ये सारे फाइल्स जो मिल रहे हैं ये सब के सब टेम्प्रोरी फाइल्स हैं, तो कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करें और उसके बाद शिफ्ट के साथ डेल बटन को प्रेस करेंगे तो ये सब डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे फिर से हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो कंटिन्यू है उसे आपको क्लिक करना है ताकि ये सब डिलीट हो जाए। दोस्तों, जो भी हम वर्क करते हैं ना तो ये सारे जो टेम्प्ट फाइल्स है वो क्रिएट होते रहते हैं, तो इसे हमें समय समय पर डिलीट करते रहना चाहिए। उसके बाद एक बार फिर से हमें इसे कट कर देते हैं डिलीट करने के बाद। और फिर से यहाँ हम आते हैं यहाँ सर्च वाले बटन पे और यहाँ पे इस बार सर्च करते हैं हम लोग सर्विस। यहाँ पे देखें सर्विसेज हम लोग सर्च करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। तो सर्विसेज में क्या होता है ना कि कुछ सर्विसेज बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा रनिंग में रहते हैं। जैसे विंडोज़ का जो अपडेट होता है वो समय समय पर रनिंग में रहता है और वो समय समय पर अपडेट भी होते रहता है, तो जिसकी वजह से आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है और सिस्टम को भी वो कई बार हैंग करा देता है। तो इसलिए हमें इसे बेसिकली इसे हमें जो है ना इसे डिसेबल करके रखना है। यहाँ आप देखेंगे विंडोज़ अपडेट, या अभी यहाँ पे आपको मैनुअली या ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर हमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, उसके फिर आप इसे डिसेबल कर दें। अगर आपका जेन्युइन विंडोज़ है तो आप मंथली इसे मैनुअली अपडेट करते रहें, अगर जेन्युइन नहीं है तो फिर इसे अपडेट करने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद एक बार फिर से इसे हम रिफ्रेश कर दें तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये डिसेबल हो गया। उसके बाद फिर से इसे कट कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए फिर से हम यहाँ पे आते हैं, विंडो बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम टास्क मैनेजर में चले जाएंगे। यहाँ पे जब हम टास्क मैनेजर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे, परफॉर्मेंस प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें स्टार्टअप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो कुछ ही एप्लीकेशंस जो है नज़र आ रही है, हो सकता है यहाँ पे आपको बहुत ही सारे एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में नज़र आए। यहाँ पे मैंने सारे एप्लीकेशंस को यहाँ से हटा दिया है। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सब के सब आपके जो सिस्टम होगा जो चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, जैसे ही आप उसे स्टार्ट करते हैं तो सारे के सारे एप्लीकेशंस सिस्टम स्टार्ट होने के साथ ही साथ स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जितने कम प्रोग्राम्स होंगे उतना जल्दी आपका सिस्टम ओपन होगा। अगर आप जिस भी प्रोग्राम का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं या फिर नहीं चाहते कि वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो तो उस पर राइट क्लिक करके उसे आप डिसेबल कर दें। यहाँ पे जो भी था मैं उसे यूज़ कर रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए फिर से हम लोग रन ओपन करते हैं या विंडो आर प्रेस करेंगे तो रन आ जाएगा। फिर यहाँ पे इस बार हमें टाइप करना है प्रीफेज,
ये सारे चीज़ें जो है ना टेम्परेचर डैम्प्ड या परसेंटेज डैम्प्ड या फ्री फेज, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद फ्री फेज पे जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन होगा, कंटिन्यू उसके बाद करना रहता है। उसके बाद कंट्रोल एक करके सेलेक्ट कर ले सबको, उसके बाद शिफ्ट प्लस डेल का बटन प्रेस करेंगे तो सब डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, ये रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाता है। उसके बाद जो बेसिक सी चीज़ है ना दोस्तों कि वो हम लोग भूल जाते हैं, जो भी हम लोग जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसका हिस्ट्री समय समय पे हम लोग डिलीट नहीं करते, जिसकी वजह से जो हमारा जो ब्राउज़र है वो भी वर्क करना स्लो कर देता है, जिसकी वजह से सिस्टम स्लो होता है। तो इसलिए अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप देखें तो मेरा यहाँ पर आपको हिस्ट्री में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसे डिलीट कर रखा है। तो यहाँ क्रोम में हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल लास्ट, और यहाँ तीन चार ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ऑल टाइम करके आप इसे इसकी जो हिस्ट्री है उसको आप हमेशा डिलीट करके रखें। सप्ते में या मंथली बेसिस पे इसे कर लेना बेटर होता है, मैं तो इसे मंथली नहीं बट वीकली ज़रूर करता हूँ, डेली बेसिस पे भी ज़रूरी नहीं है लेकिन वीकली ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए सारा जो हिस्ट्री था वो डिलीट हो गया है। उसके बाद अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं तो उसका भी हिस्ट्री आप सेटिंग पे क्लिक करके कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सेफ्टी पे क्लिक करना है और फिर यहाँ डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बस हमें उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ भी आपको ये सारे जो बॉक्सेस है उस पर चेक कर देना है, टिक लगा देना है और उसके बाद आपको डिलीट बटन पर क्लिक कर देना है इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इसका जो भी हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप अगर ओपेरा यूज़ करते हैं तो ओपेरा में भी आपको यहाँ पे थ्री लाइनिंग जो कॉर्नर साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे ब्राउजिंग डेटा का ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला ब्राउजिंग डेटा, और उसके सामने क्लियर का ऑप्शन भी मिल जाता है, सिंपली हमें क्लियर पर क्लिक कर देना है। क्लियर पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन होगा कुछ इस तरह का, और उसके साथ में ये वाला भी आ जाएगा विंडो जहाँ पर आप लास्ट आवर या 24 आवर्स या फिर आप ऑल टाइम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस पे क्लिक करके आप जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे उन सभी को चेकबॉक्स पे टिक कर दें, और उसके बाद आप क्लियर डेटा पे भी आप क्लियर टिक कर दें। जैसे क्लियर डेटा पे आप क्लिक करेंगे जो भी हिस्ट्री होगी वो सब के सब डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे ब्राउज़र का हिस्ट्री डिलीट करते रहना चाहिए, वो ब्राउज़र के लिए बहुत ही बेटर होता है क्योंकि उससे ब्राउज़र बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। उसके बाद हमें डिस्क पीसी ओपन करना है, उसके बाद सी ड्राइव पे आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं, और उसके बाद यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट या डिस्क क्लीनर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप डिस्क क्लीनर पर क्लिक करेंगे ये वाला विंडो ओपन होगा, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है उस सबके सामने टिक कर देना है इस तरह से, उसके बाद नीचे और भी आपको एक दो बॉक्स मिल जाएंगे उस पर टिक करना है जैसे, ये जितने भी आपको बॉक्स में मिलेंगे सब पे टिक करके आपको ओके कर देना है यहाँ पे ओके, उसके बाद डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर देना है। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस, ये सब के सब जो भी टेम्परेरी फाइल्स होते हैं जितने भी सिस्टम में रहते हैं उन सबको जहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं उससे डिलीट कर देना है। ये सब के सब जो फाइल्स डिलीट हो रहे हैं वो सब के सब टेम्प्रोरी फाइल्स है, ऐसा नहीं है कि इसके डिलीट होने से आपका कोई डेटा लॉस हो रहा है या कुछ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, उसके लिए फिर से हमें यहाँ पे आना है टाइप या टू सर्च में, यहाँ पे टाइप करना है सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको आना है सिस्टम पे, यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, इन सबको आपको ऑफ करके रखना है। यहाँ से आपको हो सकता है कि आपका अनेबल ही दिखेगा तो इसे आपको इस तरह से ऑफ कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे ये जितने भी एप्लीकेशन है उन सबका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है, अगर आपको किसी का नोटिफिकेशन चाहिए तो उसे आप ऑन भी करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है स्टोरेज का, जी हाँ यहाँ पर एक स्टोरेज का ऑप्शन है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है, इसे हमें ऑन करके रखना है क्योंकि इससे क्या होता है ना ये ऑटोमेटिकली जो भी टेम्प फाइल्स वगैरह बनता है उसे ये क्लियर करते रहता है, तो इसलिए हमें इसे ऑन करके रख देना चाहिए ताकि इसे हमें बार बार
फाइल्स जो डिलीट ना करना पड़े। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए हमें आना है कंट्रोल पैनल में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स का। यहाँ पे जो आपको जितने प्रोग्राम्स दिख रहे हैं, आपको दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसे आपने इंस्टॉल तो किया लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत समय से आप नहीं कर रहे हैं, बस वो पड़ा हुआ है। तो ऐसे एप्लीकेशन को आपको ढूंढना है, देखना है कि कौन सा एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, सिंपली उसे आप अनइंस्टॉल कर दें। क्योंकि क्या होता है ना कि उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल भले ही आप ना करते हो लेकिन वो एप्लीकेशन को मैनेज विंडो करता रहता है, विंडो उसमें बिजी रहता है। तो इसलिए आपको उस तरह के एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर देना है जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, यहाँ पे टाइप करना है माइक्रो वन ड्राइव को आपको सर्च करना है। जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ नीचे माइक्रो का वन ड्राइव आपको शो करेगा। दोस्तों माइक्रो वन ड्राइव जो है ये सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ करता है और सिस्टम को स्लो भी करता है। तो यहाँ पे आप उसे क्लोज करके रखें, आप माइक्रो वन ड्राइव पे क्लिक करेंगे और उसके हेल्प एंड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लोज का ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ इस तरह से हेल्प एंड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो क्लोज और उसके बाद क्लोज वन ड्राइव, इसे आप क्लोज करके रखें। इससे आपकी डेटा काफ़ी बचत होती है। फिर एक बार फिर से हमें रन सर्च करना है और यहाँ पर इस बार हमें सर्च करना है MS config हमें यहाँ पे सर्च करना है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक और ऑप्शन यहाँ सर्विसेज का जितने भी आपको सर्विसेज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है। इससे क्या होगा कि जितना भी माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्विसेज है वो सब के सब हाइड हो जाएंगे। इसके बाद आपको फिर से कंट्रोल पैनल में आना है और यहाँ पे इस बार आपको जो ऑप्शन मिलेगा ना वो है सिस्टम का। एक बार फिर से हमें क्लिक करना है सिस्टम पे और उसके बाद जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग पे, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे परफॉर्मेंस विजुअल इफेक्ट जो है इसे हमें बंद कर देना है या फिर यहाँ से आप इसे मैनेज भी करके रख सकते हैं। इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शन ऊपर में मिल जाएगा तो इसमें से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। जो फर्स्ट वाला जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, या कस्टम या एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे तो सब अनचेक हो जाएगा और कस्टम पे आप अगर क्लिक करेंगे तो इसमें से आप किसी को सिलेक्ट करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे ही क्लिक करके रखना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद जो है आपको सीधे सिंपली अप्लाई और ओके कर देना है। इसके बाद क्या होता है ना कि थोड़ा सा जो आपका जो माउस है उसमें आप जैसे जब भी कोई भी फाइल्स ओपन करना चाहें तो वो बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है, विजुअल इफेक्ट्स वो कम हो जाता है। जैसे फोल्डर्स में क्या है वो पहले ऊपर से दिख जाता है, वो नहीं दिखेगा। उसके बाद फिर से हमें एक और स्टेप है जो रन ओपन करना है और उसके में टाइप करना है रेज एडिट। तो रजिस्ट्री से भी हमें कुछ सेटिंग करनी है रजिस्ट्री में। तो उसके बाद रेज एडिट सर्च करने के बाद यहाँ पे ऊपर में जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा एच की यूज कंट्रोल करंट यूज़र, एच की करंट यूज़र उस पर हमें इस क्लिक करना है, उसे एक्सपेंड करना है। उसके बाद जो आपको क्लिक करना है ये वाला ऑप्शन है कंट्रोल पैनल और उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा एक को देखना है यहाँ पे माउस का, जी हाँ माउस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इधर साइड में आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन माउस टाइम का। यहाँ पे देखिए 400 जो दिख रहा है इसे आपको 10 कर देना है और उसके बाद इसे आपको ओके कर देना है। देखिए आप 10 हो गया। इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक है डेस्कटॉप, क्या ये डेस्कटॉप का ऑप्शन मिल रहा है और इसके बाद आपको इधर यहाँ आप डेस्कटॉप देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस साइड आके आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा एक और ऑप्शन, तो मैं बताता हूँ ये है मेनू शो डिले जो मिल जाएगा उसे भी आपको 10 कर देना है। उसके बाद इन सबको हमें बंद करना है, क्लोज कर देना है। इसके बाद एक और स्टेप है उसे देखते हैं थोड़ा।
उसके लिए फिर से हमें कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पावर ऑप्शन। जी हाँ, पावर ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी लैपटॉप में आपको सिर्फ हो सकता है कि बैलेंस्ड का ही ऑप्शन मिले या किसी में दो ही ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मेरे में दो दिख रहा है, इससे पहले मेरे में सिर्फ एक ही दिख रहा था, लेकिन मैंने ये हाई परफॉर्मेंस वाला जो ऑप्शन है उसे मैंने क्रिएट किया है। तो ये कैसे कर सकते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। तो हाई परफॉर्मेंस पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद इसे कट कर देना है। इसके बाद जो एक और स्टेप है दोस्तों, उसके लिए फिर से हमें यहाँ पे सर्च करना है डिफ्रेगमेंटेशन और ऑप्टिमाइज, इस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ड्राइव यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो सबसे सिंपल है कि सर आप सी ड्राइव पे क्लिक करें और उसके बाद ऑप्टिमाइज बटन पे क्लिक कर दें। इसमें थोड़ा सा दोस्तों टाइम लेता है, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लेगा ये। आप इसे शेड्यूल भी करके रख सकते हैं, इसे 1 by 1 आप ऑप्टिमाइज करके इसे करना चाहिए। यहाँ से आप इसे शेड्यूल करना चाहते हैं, इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें चेंजेस सेटिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसको शेड्यूल करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन है। मैंने वीकली करके रखा है, आप इसे मंथली भी रख सकते हैं या डेली रख सकते हैं, बट वीकली बेटर होता है। उसके बाद आप इसे सेट करना चाहें तो टाइम भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी ड्राइव आप सेलेक्ट करें और उसके बाद इसे ऑप्टिमाइज कर दें। सी ड्राइव को हमेशा करते रहना चाहिए वीकली करके, मैं नहीं कर रहा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, 1 से 1.5 घंटा, तो मैंने दिखाने के लिए सब किया है। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारे सेटिंग करने के बाद आपका जो लैपटॉप है बहुत अच्छे से वर्क करेगा और स्लो और हैंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।